स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है, ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत हैं। सभी लोग कमा रहे हैं, क्यों कमा रहे हैं? ये मजबूरी है, क्योंकि शरीर के संचालन के लिए ऊर्जा चाहिए, भोजन, अनाज, फल, मिष्ठान आदि, साग सब्जियाँ, ये सब पैसे से प्राप्त होती है। अभी वस्तु विनिमय नहीं है, पहले करेंसी नहीं थी, वस्तु विनिमय थी। जिसको चावल चाहिए होते थे वो दाल लेके जाता था मार्केट में, बाजार लगती थी, वो कहता था ये चावल दाल ले लो, चावल दे दो उसके बाद। जिसको फिर दाल चाहिए होती थी आपस में चेंजिंग करते थे, वस्तु विनिमय। अभी ये पद्धति नहीं है, अभी तो आप करेंसी से सामान खरीदो, ये अच्छा है, पहले करेंसी नहीं थी। तो इसी तरह पैसा चाहिए। निरंजन ने अपनी ये बाजार बड़ी टॉप खोली है, ये निरंजन का देश है, और ये शून्य में रह करके पूरे संसार का संचालन करता है। कितना मामला सीक्रेट है कि आपके अंदर बैठकर हर इंसान से जो चाहे कराता है, लेकिन आदमी नहीं समझ पाता है, अपने घट को नहीं जान पाता है। यही है अध्यात्म, कि हम ये जान पाए हमारा संचालन कौन कर रहा है, हमें कौन चला रहा है। अब आप देखिए इस स्थूल जगत के लिए निरंजन ने कैसे रचना की वो सुने। क्या इस शरीर के अंदर कोई भी फालतू अंग है क्या? अगर ये चिटली उंगली है ना, बड़े सोच से बनाया है ये रोबोट। आंखों के ऊपर भवे है ना, महत्व है। जो आपके मुंह में दांत है ना, बड़े हिसाब से बनाए। आगे वाले कटर टीथ, सेब खाना है इससे काट, और साइड क्या है, डॉग टीथ, अखरोट फोड़ना है ना, जो कुत्ते वाला दांत उससे तोड़ते हो, और पीछे वाली जो जबड़े हैं भोजन चबाने के लिए। कभी भी आपको सेब काटना है यहाँ से नहीं काट रहे हो, काटते हो क्या? फ्रंटल काट रहे हो ना। हर एक रोम रोम इस शरीर का बड़ी प्लानिंग से बनाया हुआ है। इस तरह निरंजन ने जो कुछ भी इस रचना के लिए जरूरी था, आपको भ्रमित करने के लिए जो जरूरी था, वो सब साजो सामान बनाया। ये मैथुन सृष्टि है, इसमें नर और नारी के योग से उत्पत्ति होती है। नारी को भूमि भी कहते हैं। जैसे जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए उसको फीड देते हैं, उसको अच्छा बनाते हैं, इसलिए नारी को सुंदर बनाया ताकि आदमी आकर्षित तो होते ना आए। अगर ये रीछनी की तरह होना था तो आदमी इसके पास जाना था क्या? नहीं ना। इसलिए नारी का शरीर भी उसने इसी तरह से बना दिया ताकि आदमी आकर्षित हो। बड़ी सोच समझ से ये पूरी रचना है। इसी रचना को देखकर लोगों ने कहा ये बहुत बड़ा कलाकार है, यही भगवान है। दरअसल ये तो आपको उलझाने के लिए पूरी रचना है, आपको उलझाने के निमित्त ये पूरी रचना है। इसमें काम बनाया, काम नहीं होता तो सृष्टि नहीं होती, क्रोध नहीं होता तो कर्म नहीं होता, लोभ नहीं होता तो संचय नहीं होना था, आदमी कर्म ही नहीं करना था। देखा, इस आवश्यकता और लोभ के कारण आदमी बाहर भी चला जाता है कमाने के लिए। अगर मोह नहीं होता तो माता बहने बच्चे को जन्म देकर नाली में फेंक के आना था, कहना था इसका मलमूत्र कौन ढोए, ममता है कि वो प्रेम लग रहा है, मोह। अहंकार नहीं होता तो आदमी चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। मैं एक चीज देखता हूँ, ये गाड़ी आदमी की नकल पर बनाई है। आदमी को चलने के लिए
पैर चाहिए, उसमें पहिए हैं। आदमी को हाथ पांव को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए, तो उसके अंदर भी पंप भी है और पिस्टन वगैरह और मशीनरी है। और भोजन के रूप तौर पर उसे फ्यूल देते हैं। आदमी आहार खाने के बाद मलमूत्र करता है, वेस्ट को पॉपटिस्ट बाकी पदार्थों को बाहर फेंकता है। इसी तरह उसके अंदर जला हुआ ऑयल, जो एनर्जी पूरी पहले कंज्यूम हो गई, वो पाइप से बाहर फेंकता है। आदमी के अंदर रात में देखने के लिए आंखें हैं, उसमें भी दो लाइटें लगाई हुई हैं। आदमी के पैर में जमीन पकड़ने के लिए उंगलियों में ग्रिपिंग है, इसलिए टायर में भी ऐसे ऐसे ग्रिपिंग लगाई है, बड़े सलीके से बनाई है। और रिमोट से पूरी दुनिया चला रहा है वहीं से। पर आदमी पूरी जिंदगी जी लेता है, उसको वो ये जानकारी नहीं देने देता है, उसको कभी इस पॉइंट पर वो नहीं पहुंचने देता है कि आत्मा को जान, बस वो डाइवर्ट करता है। जैसे रिमोट से बच्चे गाड़ी पहले तो स्टार्ट कर देते हैं तो सीधी गाड़ी जाती है, उसमें एक नॉब है जो बच्चों की गाड़ी का रिमोट है, तो नॉब को अगर बाईं तरफ प्रेस करेंगे गाड़ी बाएं मुड़ जाएगी, अगर नॉब को दाहिनी तरफ पुश करेंगे तो गाड़ी दाहिने घूमेगी, अगर स्टॉप करेंगे तो बस एक बटन है। इस तरह मन है निरंजन सवे नचाए, ब्रह्मादि शिव शंकादि ब्रह्मांड के सभी जीवों को नचा रहा है। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है। यहाँ साहब कितने बड़े वैज्ञानिक थे। मन हंसे, हंसाना वो हंसाता है, मन रोए वो रुलाता है, मन नाचे मन गाए, मन लेवे मन देवे। वहां से रिमोट दबाएगा इसका अपमान करो तो अब आप अपमान करेंगे, वो रिमोट दबाएगा इसका सम्मान करो आप सम्मान करेंगे, वो रिमोट दबाएगा वहां से कि इसको हाथ प्रणाम करो आप प्रणाम करेंगे, वो रिमोट दबाएगा गाली बक तो आप गाली बकेंगे। यानी जो चाहता है इंसान से कराता है। कितनी बड़ी टेक्निक की बात है ये, मन लेवे मन देवे। अब साहब क्या करें, मन ही शूरमा, मन ही कायर, मन ही दानी मन ही कृपण, मन ही लेवे मन ही देवे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। इस फैक्टर को कोई माई का बच्चा छू ही नहीं रहा है। आप मुझे बता दो कौन प्रीचर है जो इस वे पर टीच कर रहा है। जब हमारी आत्मा एक ऐसी ताकत के हाथ में बंधी है, हम बंधे हैं, तो उस पहले उस पॉइंट पर तो जाओ ना, कोई नहीं, किससे कहानियां बता देना। अब साहब पता है क्या बोल रहे हैं, माला लक्कड़ पूजा पत्थर, तीरथ हैं सब पानी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, चारों वेद कहानी। तो आइए इस तरह निरंजन जो चाहता है कराता है। वहां से अभी साहब कह रहे हैं काल निरंजन सभे नचाए, काल अमल संशय भाई प्रथम काल तुम चिन्हो आई, जैति कर्म करे संसार असो सब आए काल व्यवहार। वाह, कोई नहीं बोला ऐसा। आप चाहे शुभ चाहे अशुभ जितने भी कर्म कर रहे हैं ये सब काल पुरुष करा रहा है। वहां से मन रिमोट दबाता है, शून्य में बैठा है। अब साहब भी क्या करें, कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है ये, कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है। वहां से वो रिमोट वो तरंग भेजता है, रिमोट से ड्रोन ऊपर घूम रहा है तो क्या पहुंचा यहां बैठकर भैया, तरंग तो गई ना, वेब गई ना। इस तरह वो शून्य में बैठा है सहस्त्र सार में, वहां से तरंग भेजता है, चलो घूमने चलते। आप घूमने चले, आपको तो पता ही नहीं चला। मन सोए मन हंसे मन रोए मन लेवे मन देवे। वाह,
चेतिक कर्म करे संसारा सो सब आए काल व्यवहार। काल ख्याल जानत नहीं कोई, बोला इसको कोई समझ नहीं पा रहा है। कर विपरीत सबन के सोई, दस अवतार काल ने छलिया। दस अवतार काल ने ऐसे पहले व्यक्तित्व तो खड़े किए, उनके अंदर खुद बैठ करके पूरा काम कराया। इसलिए वासुदेव कृष्ण कह रहे कालों में महाकाल मैं हूँ। अब लाजमी है किसी की दुकान चल रही है, एक और दुकानदार आए, उस दुकान की महिमा कहे तो पुराने दुकानदार को चिढ़ नहीं आएगी। जब हम लोगों को भ्रम से निकाल करके बाहरी उपासनाओं से आंतरिक जगत की तरफ ले चल रहे हैं तो लोग बुरा नहीं मानेंगे। जब भी कोई आदमी हाँ बाकी की उपासना करेगा तो मदद करेगा, पर जब परम पुरुष की तरफ कोई जाता है वहाँ से उच्छेदने का मतलब है हटा देना, जंपिंग करा देना। इसलिए इंसान वो नहीं समझ पाता है। तो कह रहे हैं काल ख्याल जानत नहीं कोई, कर विपरीत समझ कर हुई, दस अवतार काल ने चलिया, काल अपर बल सबको दलिया। मीन स्वरूप काल अवतारा, कुर्म स्वरूप महाजोधारा, बराह रूप अवतार जो लीना, नरसिंह रूप अवतार जो लीना, बामन होके बलि को छलिया, परशुराम होए छत्री दलिया, राम रूप होए रावण मारा, कृष्ण रूप होए कंस पछाड़ा, बौद्ध रूप जगन्नाथ अवतारा, लीला बहुत भांत संभारा, दस अवतार काल ने धरिया, मिले मलेश मार सतयुग सो करिया, इतनी देह धरी युग माई, काल अमल व्यापित हैं पाई, काल मर्म काहू नहीं जाना, सब कर कीने पिसवाना, काल पुरुष काहू नहीं चीना, काल पाए सब ही गए लेना। ये दुनिया को वो नचा रहा है, किस किस को? गण गंधर्व ऋषि मुनि देवा पीर पैगंबर कुतुब औलिया काल निरंजन सबको दलिया, सिद्ध साधक जोगी जति सत्य को जान नहीं पाए रत्ती, जाए निरंजन माए समाए आगे का कोई भेद न पाए। इसके आगे भेद हमारा जानेगा कोई जानन हारा, कहे कबीर जानेगा वही जा पर कृपा सदगुरु की। अब टेक्निकल पॉइंट क्या है, जिस समय गुरु नाम देता है हृदय प्रकाशित करता है तब निरंजन के आने वाले पूरे संदेश समझ में आ जाते हैं, आप उनकी फिर चीज़ों को डाइवर्ट कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ, बीच में आपने देखा चाइना ने काफ़ी साइबर अटैक किया पूरे वर्ल्ड पर, जितने भी कंप्यूटर डाटा थे सबको उसने हैक कर दिया। इस तरह नाम क्या करता है, आपके पास आने वाली निरंजन की तरंगों को पहले ही डाइवर्ट कर देता है। अगर आप अपने अंदर अपने में और दुनिया के लोगों में एक अंतर पाते होंगे वो क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। चाहे आप जीरो हैं पढ़े लिखे, आपको एक आत्मविश्वास है, आपको दुनिया का आदमी पागल नजर आता होगा, चाहे वो पीएचडी है, आप उनकी हरकतें पढ़ रहे हैं, जो जो मन कह रहा है वो करते जा रहे हैं, आपके अंदर एक विल पावर है कि आप बहुत ज्ञानी हैं, आप दुनिया को देख रहे हैं, जो जो मन कह रहा है वो करता जा रहा है और आप उसको पढ़ रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं ये मन को जान ही नहीं पा रहे हैं और मन सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए वो पीएचडी होने के बाद भी आपके सामने मूर्ख है। ये आप में एक आत्मबल है। मैंने जो ये सेंटेंस कहा, जो वाक्य कहा, इससे जो सहमत है वह हाथ खड़ा करें, आपको एक ताकत मिली हुई है, तभी तो साहब कह रहे हैं नाम होए तो माथ नवाए ना तो ये जग बांध नहीं सकते। आगे साहब क्या कह रहे हैं, जस नट मरकट को दुख दे ही नाना नाच नचावन ले, जैसे बाजीगर बंदर को नचा रहे हैं इस आत्मदेव को निरंजन ऐसे नचा रहा है। अब आप जीवन मुक्त हैं, नाम के बाद आपके पास वो शक्तियाँ आ गई, आप समझ रहे हैं पूरा एपिसोड समझ में आ रहा है, अब आप संतुष्ट भी हो गए, आपको अगले जन्म की इच्छा ही नहीं, आपकी इच्छाएं खत्म हो गई, आपके अंदर आसक्ति नहीं रही संसार की। आसक्ति का मतलब है आसक्त हो जाना, कोई चीज़ नहीं मिले तो दुखी हो जाना और शौक होना, ये करूँगा वो करूँगा, गाड़ी लूँगा फलाना लूँगा कोठियाँ बनाऊँगा, ये सब खत्म हो गए। तभी तो साहब कह रहे हैं ना, सदगुरु महदीनी अजब जड़ी सो जड़ी में अति प्रिय लागे अमृत रस से भरी, पांच नाग पच्चीस नागनी सुंगत तुरत मरी। वाह, कहत कभी सुनो हो सजनी ले परिवार तरी,
यानी अभी इंद्रियां भी कंट्रोल में आ गई, ठीक है। हाँ, देखती है सुंदरता की तरह, फौरन अंदर से संदेश छोड़ यार। मन फिर कहता है कभी कभी ये खाएं, कहता नहीं खाना, यानी अब उसकी चल ही नहीं रही है। इसी स्थल पर साहब ने कहा, जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना, प्रेम गलियति संकृता में दोनों से। गुरु तो हमेशा शब्द रूप में आपके साथ अंग संग है। जहाँ ठगी करने जाओगे अंदर से सिग्नल आएगा, डोंट डू दिस, दिस इज रॉन्ग, वो तो शब्द रूप में आपके साथ हो गया। तो साहब कह रहे हैं इस प्रकार से, बस आपको एक काम करना है। भाई किसी की टांग टूटी थी, डॉक्टर ने बोला आप डॉक्टर के पास जाए। डॉक्टर की नानी भी टांग नहीं तोड़ जोड़ सकती, टांग तो आपने जोड़ लिया। वो क्या करता है, एक्सरे करता है, टांग कहाँ से ऐसे ऐसे टूटी है, वो ऐसे कर लेता है जहाँ से टूटी है। प्लास्टर इसलिए करता है ताकि हिले नहीं। फिर आपको कहता है 6 हफ्ते बाद आना, साथ में आपको कैल्शियम आयरन अच्छी खुराक, ताकि हड्डी जुड़ेगी तुम्हारे ही शक्ति से। जब तुम्हारे में कैल्शियम आयरन बढ़ेगा तो यहाँ ये जॉइंट हो जाएगी। डॉक्टर की नानी भी नहीं जोड़ सकती हड्डी। और आपको कहता है इस पर वजन नहीं देना, अभी प्लास्टर इसलिए दिया ताकि मोड़ना भी नहीं, आपको परहेज करना है। 6 हफ्ते बाद जाते हैं डॉक्टर, फिर एक्सरे करके देखते हैं जुड़ी या नहीं, फिर खोल देता है। क्यों खोल रहा है, अभी खोलना नहीं चाहिए, क्यों खोल रहा है, नहीं तो स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी नहीं। वो खोल देता है, हिदायत देता है इस पर वजन मत देना, आड़ी टेढ़ी जगह पैर नहीं रखना, फिर वहीं से टूट जाएगी। अच्छा कोई बात नहीं, तो आप और वाकर दे देता है, इस पर जोर नहीं देना। फिर आपका चेकअप करता है, उसके बाद हिदायत देता है, भाई देख अब जुड़ चुकी है, लेकिन सावधान इस पर उछल कूद और ज़्यादा इस पर वो नहीं करना, ठीक है। कब, पूरी जिंदगी। तो साहब क्या कह रहे हैं, सत्य नाम निज औषधि, सदगुरु दे ही बताए, औषधि ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए। रूपत का मतलब परहेज करना, बस आपका ये काम है, आप परहेज करते चलो, बाकी काम साहब करता चलेगा, और सूरत जोड़े रखना, बनत बनत बन जाए। अरे गुरु के द्वारे लग रहा है भाई। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग नाम लिया है, कुछ अनहोनी हो जाती है, तो बहकावे में आकर गैर नामियों के झाड़ा फूकी या बाकी चीज दौड़ जाते हैं। शेर के शिकार को कोई नहीं खाता, क्यों नहीं खाता है, वो तो शिकार करके साइड में रखकर चला जाता है, जब थोड़ा मांस गलता है तब खाता है, समझे। वो महक से जान जाता है कि मेरे इस शिकार में मुंह किसने डाला, तो जब कुत्ते ने मुंह डाला वो जान जाता है कुत्ता, वो महक से देख लेता है। तो शेर सूंघ कर जान जाएगा गीदड़ ने खाया है या लोमड़ी ने खाया है या लकड़बग्घा खाया, वो पूरों के पीछे पड़ेगा, उनको चुन चुन के मारेगा। आदमी, आप किसी को पता है, चूहा अगर 30 मीटर दूर है सांप को पता चल जाता है, सूंघ लेता है, कितना यानी 90 फीट, जितनी वो दुकान है, यानी यहाँ पर है शेर सांप और चूहा वो टेबल पर है, सांप को पता चल जाएगा उसे। इस तरह आदमी की महक भी लेते हैं, कुत्ते में भी सूंघने की बड़ी ताकत है, सबसे ज़्यादा सूंघने की ताकत है मधुमक्खी में, वो 12 किलोमीटर तक सूंघती है। अगर यहाँ फूल है खिला हुआ, वो रेलवे स्टेशन पर है, उसको पता चल जाता है यहाँ फूल खिलाए आ जाइए। और सबसे ज़्यादा देखने की ताकत चील में, गिद्ध में, वो 800 किलोमीटर देख लेती है, 900 कुछ किलोमीटर। तो इस तरह से फिर गुरु ज्ञान देता है, अरे ज्ञान बोधि पढ़ के दिया गया, आपका हृदय प्रकाशित कर देता है, ऑटोमेटिक ज्ञान आ जाता है, सही क्या है गलत क्या है, ज्ञान का ये लक्षण है। इसलिए सद्गुरु दीनी अजब गुरु। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।